हाँ जी साथियों, जय श्री राम, जय भोले की। भाई कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब फिर वो इदु इदा मेरे साथ फंस गई सुबह सुबह। भाई आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली या जो भी भाई बंधु जो भी मेरे बड़े जितने भी जुड़ रहे हैं, एक तो यार रोज रोज है ना, सच में कहीं नहीं जाया जाता व्लॉग के लिए। आपको प्रॉपर टाइम, मतलब व्लॉग का मतलब है कि आपको लोगों को दिखाना है ना कुछ जाके कहीं नई चीजें, जिससे लोग उसको देखे। अब भाई मैं रोज रोज तो किधर जा नहीं सकता, घर भी है, काम भी है, और भी बहुत चीज हो जाए लाइफ में। तो ठीक है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज़ को लेके। बाकी इस चीज़ का भी कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल रहा हूँ। बाकी आज ये व्लॉग जो है, ये अभी वर्षा को ऑफिस छोड़ने से लेके जिम से शुरू होगा, देन घर आके मैं अपनी आज डाइट वगैरह क्या खाता हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगा खुद बना के। सावन खत्म हो गया तो आज मैं अंडे बनाऊंगा भाई आने के बाद, उसके बाद प्रोटीन शेक बनाऊंगा। देन नहा धो के हम अपना थोड़ा सा काम वाम करेंगे, जो भी हमारा काम होगा। पूरे दिन का ये व्लॉग रहने वाला है, तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखना, प्यार देना हमेशा की तरह। जय श्री राम, जय भोले की। जिम जाने से पहले हमेशा की तरह कुछ खाना जरूरी है। केला तो रखा हुआ है, वो ले लेंगे। बाकी रात का अपना भिगोया हुआ ओट्स, ये खा के निकलेंगे भाई। और फिर मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बोलता हूँ, जिम जाओ या ना भी जाओ, उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जरूर खा लिया करो, अच्छा खासा, जिसकी मतलब आपकी बॉडी पूरे दिन एनर्जी रहेगी। मतलब जो सुबह सबसे पहले आपकी मील होगी ना, उसको जरूर चूज किया करो, वो अच्छी होनी चाहिए। उठते चाय मत पिया करो, बिल्कुल मत पिया करो भाई, चाय बंद कर दो, मीठा और चाय जहर है, जहर। अभी हो गई रेडी, तन चलते हैं छोड़ने। बाकी आपको एक नई चीज दिखाता हूँ मैं, जिसके लिए मैंने मेन ये, चलो बंद करके आ जाना। आपको एक नई चीज दिखाता हूँ जो आपने शायद गाँव गाँव में तो नहीं देखी होगी, भाई मैंने खुद नहीं देखी थी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये देखो। पहले तो हालांकि मेरे को पसंद है कुत्ते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये देखो कुत्तों के चक्कर में गाड़ी पे आपको ये रख के लगा के जाना पड़ता है। इसके ऊपर का भी दिया हुआ है छत का, वो मैंने लगाया नहीं, बाकी नहीं तो ये ऐसे स्क्रैच मार के और ऊपर चढ़ जाते हैं भाई। ये इस चक्कर में मंगवाया स्पेशल, बाकी गांव में तो लोगों से गाड़ी बचानी पड़ती है, यहाँ तो कुत्तों से बचानी पड़ती है मेन गाड़ी। क्या बात है, तो वो अभी दिख गया तो एक बीच में बैठा हो दो। मिस्टर लक्की पाजी सर, क्या कहना चाहते हो ब्लॉग में आप? बड़े पहले पहले हमने आप लिए हो मैंने ब्लॉग में ना, अभी मैं सबको सबकी क्लास लेने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सब लोग आओ, टाइम से आओ, सेहत का ध्यान रखो। अच्छा मैं आज कुछ उसके बारे में बोला, मैंने भी पिछले थोड़ा एक वीडियो उधर से बना के आया, मैं स्टीरॉइड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर ना कभी कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, ये तो दही पे जीने वाले, प्री वर्कआउट भी नहीं लेते, दूध दही पे जीने वाले लोग, इन सब चीजों से दूर रहो, दूध दही का खाना नंबर वन दिल्ली। ये भी डेली मेरी तरह है, रूटीन से, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है इनकी। और फिटनेस आप देख सकते हो, एज का अंदाजा भी आप खुद ही लगा लेना, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में अच्छा फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे लोगों को? दो दो वर्ड्स जो आप डेली आके रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब जो नहीं आते जिम उनके लिए रेगुलर एक्सरसाइज हर एक के लिए जरूरी है, चाहे जिम नहीं आ सकते तो आप रनिंग योगा करो, वॉक करो, पार्क जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन करनी जरूरी। ये आ गया भाई मेन पार्टी, और इनको इतनी सुबह देख के आज मैं खुद हैरान हूँ, ये इतनी सुबह कैसे आ गए, क्योंकि ये सारी गैंग आती है 9 बजे के बाद। तो आज तो मतलब ये चमत्कार वाली बात है कि इतनी जल्दी आए हैं, ये तो इनको 9 बजे वाले बंदे हैं। अभी देखते हैं, इनसे बात कराता हूँ आपको क्या चल रहा है, कैसे हो गया। अरे भैया ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? आगे रोज चमत्कारी, दिन में किस टाइम आते हो? जैसे आप कह दोगे, मैं तो आया ही हूँ जस्ट, अभी 5 मिनट हुए। क्या बात है, ए
बाइसेप्स, वो भी आपको एक दो एक्सरसाइज दिखाऊंगा, बाकी जिम की ज़्यादा वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। बताइए चीता ग्रुप के सभी सदस्य आ गए और इन्होंने शुरू कर दिया 5 बजे शिकार पे निकलना। ये अपने सतेंद्र गुर्जर भाई फुल पंपिंग के साथ डन, और ये रहेगी आज की बॉडी कंडीशन। बाकी मैं रोज जिम के व्लॉग नहीं डालने वाला, आज पूरा दिन दिखाना है आपको, तो जिम तो नेसेसरी है उसमें। ठीक है भाई चलते हैं घर, डाइट वाइट लेंगे जाके। जय श्री राम। शावर ले लिया है, देन अभी करते हैं अपने लिए डाइट रेडी। डाइट में अब सावन खत्म हुआ है तो आज भाई अंडे खाऊंगा बड़े दिनों बाद, ऑमलेट बनाते हैं देन उसके साथ प्रोटीन शेक। जय श्री राम। दिखाता हूँ आपको बाकी आज पूरा दिन, और शाम को शायद कहीं जाने का प्लान बन सकता है, तो आज ये पूरा दिन का व्लॉग रहेगा। जय श्री राम। तो भाई डाइट रेडी कर रहे हैं, बाकी अभी प्याज मैंने कर लिए हैं कट, और उसके बाद अभी 2-3-4 अंडों की ऑमलेट बनाऊंगा, और कभी कभी बनाता हूँ भाई, मेरे को आदत नहीं है, बाकी सीख रहा हूँ मैं भी। अभी बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसी बनी कैसी नहीं। तो भाई बहुत कम बनाता हूँ मैं, बाकी किसा बना सारे भाई बताइए है ना कमेंट करके। आज लेट इस चक्कर में आज बादाम रगड़े का नंबर आया थोड़ा सा भारी, बाकी पीना जरूर है भाई, ये डेली एक नंबर की चीज है, जो जो भाई थोड़ी सी मेहनत कर सके हैं इन्हें जरूर पिया करो भाई। वकील साहब की एंट्री हो गई है भाई, हाय कर दो सर। वकील सर हाय कर दो एक बार सबको। हाँ जमान के लिए आई है, सुनो क्या राजू ये हैं तो ये वहाँ वहाँ क्यों रख रखी थी बाहर? ओके तो भाई वकील साहब चले गए, हमने लंच कर लिया है, बाकी बारिश आ गई है, बाहर का नज़ारा हो गया कुछ ऐसा। वाह भाई वाह, वेलकम बैक। आइए स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। क्या किया होगा, आते ही मीठा खाया है ना? यार वर्षा मेरे को पता था 100% तुम यही करोगे मेरे वॉशरूम जाते ही। खत्म हो गया अब ये। मम्मी आपने जो घेवर भेजा था वो हो गया खत्म। मम्मी एक और भेज देना, ये तो खत्म हो गया प्लीज। चलो इसको बंद करो अब, तुम्हारा मीठा आज से बंद। बार ऐसा हो गया कि मेरे साथ साथ ही वर्षा भी रेडी है चलने के लिए, कह रही है कि हाँ ठीक है चलते हैं, नहीं तो हमेशा होता है कि मैं रेडी होकर बैठ जाता हूँ और 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का खेल चलता रहता है, आज नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? राजेश वाली हरकत कर रहे। चलो ठीक है भाई दिखाते हैं, एक दो काम है वहाँ सामान लेके आना, थोड़ा बाहर जा रहे हैं। बाकी वर्षा का बोलने का मन होता नहीं क्योंकि शाय है वो कैमरे में शाय। वर्षा घुस गई है दोबारा इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ बाकी क्या लेना है क्या नहीं। चेक हो रही है भाई देखो, अब अपने आप बता दी कि मशीन है यहाँ पे आ जाएगा फिर। ओके वेटिंग भाई, स्टिल वेटिंग, मतलब बीवी बच्चों के साथ बाहर आने का मतलब है कुछ लेना हो ना लेना हो, एक चीज़ पसंद करने में भी आधा घंटा तो कम से कम है, तो अब एक घंटा तो मेरे को होने वाला है यहाँ, और अभी आधे घंटा और लगेगा इसकी भी उम्मीद है। बाकी ऐसे स्माइल करते रहना पड़ेगा भाई, दुखी नहीं हो सकते इस बात से क्योंकि इसकी आदत हो जाती है आपको धीरे धीरे, जो मुझे हो गई है। वहाँ से फ्री होके हम पहुँच गए हैं, हल्दीराम है गुलाब है गुलाब, हम गुलाब पे जा रहे हैं, तो गोलगप्पे खाने की क्रेविंग बीवी की तो उसको पूरा करेंगे हम, साथ देंगे, मैं भी खाऊंगा जो भी लाइन।
गुलाब पीतमपुरा। और वर्षा चल पड़ी है दोबारा मीठे की खोज में। पता नहीं कितने दिनों बाद आपको सो लॉन्ग टाइम। और कहाँ घूमना है अब? मेला देखने जाना है। मेला देखने? बच्चे हो तुम, मेला देखने जाओगे? मेला दिखाऊंगा गाइस, यहाँ पे लगा हुआ है जन्माष्टमी का, लगता है 20 से 26 का। तो आज तो नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, 8:30 बज गए, जाके सोना वोना भी है भाई। बाकी एक दो दिन में मेले की भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। खाना खाएंगे बस, अब थोड़ी देर में डिनर करके देन रेस्ट टाइम, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले बंदे टाइम से सोते हैं। जय साथियों, गुड नाइट। व्लॉग को भाई यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल संडे देखता हूँ, कल कहाँ जाऊँगा, पारक या जिम, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाकी व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहो भाई, प्यार दिया ही नहीं बल्कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ और बहुत कम टाइम बचा है, व्यू नहीं आए उतने। बाकी कोई रिग्रेट नहीं है, दोबारा मेहनत करेंगे, अगले साल शायद इससे अच्छा हो पाए। बाकी ठीक है, जिसने भी जितना प्यार दिया भाई धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री राम, जय भोले की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।